हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ेंगे। राकेश यादव क्लास नोट्स, टॉपिक सीआई, क्वेश्चन नंबर 38। हम अब ऐसे क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये अपन एक एक क्वेश्चन को पहले अपन समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर आगे नहीं बढ़ोगे, मतलब नहीं बढ़ोगे। देखो, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। क्या हमने सीए मतलब ऐसा ही निकालना सीखा है 2 साल? तो डेफिनेटली आप निकालेंगे ये वाला क्वेश्चन। हम प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम 1 ईयर 3 मंथ। आपको लिखना सिखा देता हूँ। देखो, 8% तो 1 साल का है ना, तो ये 8% होता है 2/25, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा, 27। अब ये 3 महीने है, 3 महीने मतलब 1 साल का चौथा ही हिस्सा, बटा 3 मत करना, बटा 4 हो जाएगा, मतलब 2/25, उसका 1/4 पार्ट, मतलब 1/50 होता है। तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा, 50 से 51। बस इसके आगे वाली कहानी आप करेंगे, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं जानता, सॉल्यूशन कंप्लीट आप करेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं। करना सीआई माइनस एसआई था, वो अपने लेवल पर आप करेंगे। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, जब सीआई माइनस एसआई करते हैं तब जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल दिया हुआ है, वो प्रिंसिपल आप काम में नहीं लेंगे। पहले आप अपने लेवल पर खुद के प्रिंसिपल का डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर उस प्रिंसिपल को कंपेयर करके आप आंसर निकालेंगे। नहीं याद आ रहा है तो जाइए इसी सेक्शन में, इसी सीरीज के अंदर, पिछले वीडियोस में जहां सीआई माइनस एसआई मैंने कैलकुलेट करवाया है खुद ने। प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, 1 ईयर 6 मंथ है, रेट दी हुई है, सीआई दिया हुआ है। आई होप ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां से अपन सीआई स्टार्ट किया करते हैं, तो यहां आपको दिक्कत नहीं आ सकती। चलिए आगे बढ़ेंगे। और प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर 73 डेज। अब ये 73 डेज देखते ही तो आप 1/5 भी लिख देते होंगे, 1/5 ईयर, नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 1/5 हो जाएगा, जैसे 1/20 है तो मैं लिखूंगा 20 से 21, 1 साल हो गया, फिर उसका 1/5 मतलब 1/100, 100 से 101, लाइक दैट। इस तरीके से आगे बढ़ना है। सीआई दिया हुआ है, प्रिंसिपल आप निकालना, ठीक है? अगला क्वेश्चन, रेट अलग अलग चल रही है, 1%, 2%, 3%, जो आपको समझ में आता है, लेकिन सीए बना जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे। इन सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का नंबर लिख करके आंसर लिख दीजिए, सर इस क्वेश्चन नंबर का ये आंसर है, इस क्वेश्चन नंबर का ये आ रहा है, इस क्वेश्चन नंबर का ये आ रहा है, तो आपके वेरीफाइज हो जाएंगे। जहां आंसर मिसमैच कर रहे होंगे बहुत ज्यादा, वहां मैं खुद आपको सॉल्यूशन बताने के लिए आ जाऊंगा, कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है, टाइम 3 ईयर है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब दिया हुआ है, सीआई हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है। कैलकुलेटिव पार्ट हो सकता है लेकिन इतना भारी नहीं है। चले, टाइम 1 ईयर 6 मंथ। अब आप भी समझते हो 1 ईयर 6 मंथ क्या है। सीआई जो है वो हाफ ईयरली है और यहाँ एसआई जो है वो एनुअली है। सीआई इट इज हाफ ईयरली एंड एसआई इज एनुअली। आप कैलकुलेट करेंगे, देखो एसआई आप किसी तो ये सीआई माइनस सीआई है, ओके, यहाँ सीआई माइनस सीआई है, सीआई है दोनों ही, लेकिन एक सीआई हाफ ईयरली है और एक सीए एनुअली है। आपको हाफ ईयरली भी कैलकुलेट करना आता है, आपको एनुअली भी कैलकुलेट करना आता है। अब मुझे ना तो हाफ ईयरली सिखाने की जरूरत है ना एनुअली सिखाने की जरूरत है। इसका आंसर कौन निकालेगा? आप निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। नहीं होगा क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, लेकिन एक बार अपने लेवल पर खुद तो करिए, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पक्का सॉल्व कराऊंगा, पक्का। लास्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, वही टाइम 1 ईयर 6 मंथ, सीआई हाफ ईयरली माइनस सीआई एनुअली, हाफ ईयरली माइनस एनुअली, करना किसको है, आपको करना है। चलिए यहां पर हमारा सीआई वाला पार्ट खत्म होता है। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।